हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और रोज़े भी आप लोगों के बहुत अच्छे जा रहे होंगे। यार मेरे तो बहुत मज़े के रोज़े जा रहे हैं और यहाँ मैं अभी उठी थी सोकर और घर आप देख रहे हैं जिस तरीके से फैला हुआ है, तो मैं अभी सो के उठी थी और मौसम इतना अच्छा जा रहा है, इतना अच्छा मौसम हो रहा है। रात में जो है सहरी के टाइम पे बारिश होती है हल्की फुल्की सी और सुबह भी बहुत अच्छा मौसम हो रहा होता है, तो रोज़े तो जाहिर सी बात है अच्छे गुजरे हैं यही। तो यार अभी ये सीन था कि अचानक से हम लोग का प्रोग्राम बन गया था, काफ़ी टाइम से जो है बहन और बहनों ही बुला रहे थे, तो मैंने सोचा अम्मी से, मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं, तो अम्मी ने कहा ठीक है। तो यहाँ हम जो है वहाँ जाने की तैयारी कर रहे थे, मैंने कहा सफाई कर लूँ उसके बाद फिर वहाँ जाएंगे। तो मैं इस्त्री कर रही थी और कपड़े पे ये वाला काम मुझे इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है, मतलब कहती हूँ मैं सब कर लूँगी लेकिन ये जो कपड़ों पे इस्त्री करने की जो चीज़ बहुत बुरी लगती है मुझे, बहुत ही मौत आती है मुझे ये चीज़ करते हुए ना। तो खैर यहाँ मैं इस्त्री कर रही थी और उसके बाद जो है ना जब सब तैयार हो जाते हैं, अम्मी बिल्कुल तैयार हो जाती हैं, सब कुछ हो जाता है और उसके बाद मैं निकाल रही होती हूँ कपड़े के, हाँ भाई अब मैंने ये पहनना है। और फिर अम्मी की इतना गुस्सा आ रहा होता है अम्मी को कि ये कौन सा तरीका है। यहाँ भी जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, अम्मी तैयार हो चुकी थी और मैं यहाँ बैठी हुई थी ऐसे ही आराम से, ना तैयार हुई थी ना कुछ, और यहाँ मैं वीडियो बना रही थी और अम्मी को इतना गुस्सा आ रहा था कि यहाँ मैं तैयार हो चुकी हूँ और तुम वीडियो बना रही हो। तो अम्मी मुझे मुस्तकिल यही बोलती हैं कहीं भी जाना होता है, यहाँ भाई नमाज़ पढ़ रहे थे और बच्चों का तो यही होता है जब कोई नमाज़ पढ़े तो आकर गोदों में बैठ जाते हैं, और हुसैन जो है ये लोग भी जा रहे थे अपनी नानी के घर पे, तो यहाँ ये भी तैयार हुए हुए थे। हुसैन जो है इनको संभालते रहते हैं हर वक्त, हुसैन का सिर्फ काम ही यही है, हुसैन इनकी दूसरी अम्मी है, छोटी अम्मी जिसे कहते हैं ना, हुसैन की छोटी दूसरी अम्मी है, हर वक्त हुसैन के हाथ में आपको ये मिलेगा, हुसैन की गोद में मिलेगा। फिर जो है मैं कमरे से निकली, यहाँ अम्मी नमाज़ पढ़ी थी, मैंने कहा मैं भी पहले नमाज़ पढ़ लेती हूँ उसके बाद जो है वो आपकी बहन तैयार होगी और फिर हम लोग जाएंगे। तो यहाँ जो है नमाज़ पढ़ ली थी और अब हम लोग जाने की हमारी तैयारी थी, तो मैंने कहा कि चलो जी चलते हैं, यहाँ ये लोग भी बिल्कुल तैयार थे, ये लोग भी निकल रहे थे और मैं तैयार थी, तो मैंने कहा एक लुक दिखा देती हूँ, मतलब थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि हाँ भाई हम तैयार हो गए। तो हम यहाँ तैयार हो चुके थे, हम यहाँ नीचे उतर चुके थे और ये लोग भी जा रहे थे, तो यहाँ टाटा हो रहा था, बाबा ही हो रहा था और हुसैन हमारा रूखा पीका सा। हुसैन के अंदर तो बिल्कुल मोहब्बत है ही नहीं, छोटी वाली बहुत मोहब्बती है लेकिन हुसैन हमारे बहुत रूखे पीके से हैं, जितना हम हुसैन से करते हैं हुसैन के अंदर बिल्कुल भी ना, बहुत ही रूखे हैं हुसैन। यहाँ हम रिक्शे में जा रहे थे और रिक्शा आराम से मिल गया था, तो खैर हम पहुंच गए फाइनली। अब जैसे ही हम पहुंचे ना तो यहाँ तो भाई गंदगी, मैंने आपको बताया था मेरी बहन का फ्लैट जो है ना बहुत बदतमीज़ लोग रहते हैं, तो साफ़ सुथरा तो करते नहीं है। खैर फोर्थ फ्लोर पे चढ़ना था, एक अजाब देखा मैंने लिफ्ट की तरफ, मैंने कहा यार लिफ्ट चल जाए, लेकिन लिफ्ट बंद पड़ी हुई थी और जब मैंने देखा सीढ़ियों पे चढ़ना है और अम्मी आई, अम्मी ने कहा कि लो भाई बंद पड़ी हुई है। अम्मी का रिएक्शन आप लोग चेक करेगा, अम्मी ने कैसे रिएक्ट करा कि मतलब अम्मी को बहुत गुस्सा आ रहा था कि अब फोर्थ फ्लोर पे चढ़ना है, अम्मी के पैरों में वैसे ही बहुत दर्द था और हम लोग ये आस लगाए हुए थे कि यार हो सकता है कि लिफ्ट चल जाए, लेकिन लिफ्ट नहीं चली और फोर्थ फ्लोर पे चढ़ना मतलब ऐसा हो जाता है जब हम फोर्थ फ्लोर तक जाते हैं ना, मतलब जब जैसे ही गेट आता है तो बस लगता है बस ख़त्म हो गए हम, टाटा बाय बाय, ख़त्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया। खैर फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे, हमने जो है बेल बजाई और ऐसा लग रहा था कि वो लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं हमारा, तो जैसे ही मैंने बेल बजाई तो फ़ौरन आ गए और आया साहिबा, तो इतनी एक्साइटेड हो जाती हैं देखकर, मतलब मेरी सबसे बेस्ट भांजी, मेरी भांजियाँ माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, सारी बहुत अच्छी हैं लेकिन आया तो और सबसे बड़ी वाली भांजी जो है मेरी वो बहुत अच्छी है, मतलब बहुत करते हैं मुझसे ना। और यहाँ एक गेम है ये टू प्लेयर, मतलब यार इन बच्चों ने, सब बच्चों ने मेरी चिड़ बना दी है, मेरी शक्ल देखते हैं और बोलते हैं दादा गेम खेलें, और मैं अब चिढ़ने लग गई हूँ कि यार हर वक्त ये लोग यही गेम, मतलब मैं आकर बैठी थी सांस भी नहीं ली मैंने और ये गेम लेके बैठ गई, आओ दादा खेलें, मतलब यार सांस तो लेने दो। और रोज़ों में फोर्थ फ्लोर चढ़ना यार अजाब हो जाता है, मैंने अम्मी से कहा था कि अम्मी हम बिल्कुल एंड टाइम पे जाएंगे ताकि हम जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाएं और दस्तखान लगा हुआ हो और हम बस पानी पी लें फ़ौरन से, क्योंकि नहीं आती सांस, बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि बस भाई बंदा गया,
बहुत बुरी हालत हो जाती है, बहुत ज़्यादा बुरी हालत। यहाँ जो है बहन इफ्तारी की तैयारी कर रही थी और मैंने और अम्मी ने पहले ही उनसे कह दिया था कि बिल्कुल कुछ करने की ज़रूरत नहीं, छोले दही बड़े ये सब चीज़ें, क्योंकि जो है वो कहाँ कहाँ के ना अजीब सा स्टार्टिंग में ही अजीब इतना हो गया। मैं तो अम्मी से कहती हूँ अम्मी खाना बनाते हैं खाने से करते हैं, लेकिन हमारी अम्मी के अंदर एक आदत है कि वो जब मैं उनसे कहती हूँ कि अम्मी खाने से रोज़ा खोलेंगे हम खाना खाएंगे, तो अम्मी को सुकून ही नहीं मिलता। अम्मी कहती है जब तक इफ्तारी ना हो ना, भरपूर इफ्तारी ना हो जब तक अम्मी को सुकून नहीं मिलता, फ्रूट चाट हो ये सब चीज़ें हों तो हम, जबकि मुझे होता है कि चलो ठीक है यार खानों से कर लेते हैं, लेकिन अम्मी को नहीं अच्छा लगता। तो हमने मना कर दिया था कि यार बिल्कुल भी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, खाना होगा तो खाना खा लेंगे, लेकिन अभी जो है ना ये छोले वोले करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पेट का हाल बहुत बुरा चल रहा था, तो हमने उनको मना कर दिया था। बहरहाल यहाँ जो है वो इतने मज़े की मिर्चें तल रही थी और मुझे इतने मज़े की लग रही थी, मेरा दिल चाह रहा था बस मैं फ़ौरन खा जाऊँ, और लेकिन ज़ाहिर रोज़ा था तो नहीं खा सकते थे। तो यहाँ जो है वो सारे काम कर रही थी बेचारी, अकेले कर रही थी जल्दी जल्दी काम, खाना भी बना रही थी और काम भी कर रही थी। यहाँ दस्तखान लगा लिया था मेरी बहनोई ने माशाल्लाह, और उन्होंने दस्तखान लगाया था, उन्होंने लगाया था दस्तखान, मैंने कहा भी था मैं लगा लेती हूँ, लेकिन उन्होंने सब चीज़ें दस्तखान पे लगाई और वो सबके आगे पेश भी करते हैं, प्लेट्स वगैरह सबके आगे रखना और ये सब करना। माशाल्लाह मेरी बहनोई बहुत अच्छे हैं, मेरी तीनों बहनोई बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा जी खैर, अब जो है ये दस्तखान लग गया था, इंतज़ार हो रहा था अजान का वेट कर रहे थे हम लोग, और ये जो बच्चे बैठते हैं ना यार दस्तखान पे, इतना कोई हंगामा मचाते, बस बच्चों को पकड़ना होता है कि कोई चीज़ ना गिर जाए, और फिर भी बचाते बचाते ऐसा होता है कि बचाते बचाते ना कुछ गिर जाता है, और अभी भी ऐसा ही हुआ था कि ग्लास का जूस का ग्लास जो था वो गिर गया था और चादर पर गिर गया था, और ये देखें ये हाल था। ये इनके साथ ये होता है कि इनको एक प्लेट और एक स्पून दे दो और वो उसके साथ खेलते रहते हैं, टक 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 वो बजता रहता है जैसे ढोल वाले आ गए। तो खैर यहाँ दस्तखान लग गया था, फिर भी ना बोलते हुए भी सब कुछ ही हो गया था माशाल्लाह से, कि हमने मना कर दिया था कि ज़्यादा कुछ नहीं करना। खैर अब यहाँ नमाज़ पढ़ी जा रही थी, अम्मी नमाज़ पढ़ रही थी और यहाँ दस्तखान उठा रहे थे हम, आयत साहब दस्तखान उठा रही थी, माशाल्लाह आयत हमारी बहुत बड़ी हो गई हैं और काम भी काफ़ी अच्छा करवा लेती हैं, वो सारा दस्तखान मेरे साथ मिलके आयत ने उठवाया था, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करती हैं आयत, छोटे छोटे काम आयत कर लेती हैं और छोटे छोटे हाथों से कर लेती हैं आयत सारे काम। और अभी भी कह रही थी मैं दस्तखान साफ़ करूँगी, तो अब ये तो नहीं करवा सकते थे, तो हमने कहा ठीक है तो आप फोल्ड कर लीजिएगा। तो माशाल्लाह से अब इनका फ़ोल्ड करना माशाल्लाह मैंने कहा चलो यार इस पे वीडियो बनती है, और जब इन्होंने मुझे देखा मैं वीडियो बना रही तो साथ बनाए वो साथ देखें, तो ये शर्मा गई। अब ये फ़ोल्ड कर रही हैं और फोल्ड करके करते करते इतनी जज्बाती हो गई कि माशाल्लाह ही हो गया। खैर अब ये जो है ना सारा दस्तखान वगैरह सब उठ गया था, नमाज़ें पढ़ ली गई थी, और उसके बाद जो है उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद कुछ नहीं हुआ था यार। उसके बाद जो है फिर हम लोग बैठ गए थे, आयत सो गई थी, बच्चे सो गए थे, क्योंकि आयत को ऐसा लगता है पूरा दिन बेचारी ने रोज़ा रखा है, आज बहुत थक जाती है, तो बच्चे यहाँ सो गए थे। उसके बाद हम लोग भी थोड़ा थोड़ा लेट गए थे, बातें कर रहे थे, और इधर उधर की बातें जब माँ बेटियाँ मिलती हैं तो बहुत सारी बातें होती हैं। तो बस यहाँ जो है वो खाने लगाया था, खाने में उसने पुलाव बनाया था, और तो व्लॉग आज का यही था, बहन के घर गए थे और वहाँ इफ्तारी की थी। तो व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिएगा, नहीं लगा हो तब भी लाइक कर दिएगा, अब जब आ गए हैं तो व्लॉग भी देख लिया है तो लाइक भी कर दिएगा, कमेंट कर दिएगा, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।